नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जो कि गोरखपुर जंक्शन से उत्तर प्रदेश से ओखा गुजरात के बीच में हफ्ते में एक दिन चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से हर बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 46 घंटे 35 मिनट बाद यह ट्रेन जो है ओखा गुजरात में पहुँचती है। इसके तकरीबन 39 स्टेशन हैं और 2290 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 50 किलोमीटर पर आवर। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है और इसका ट्रेन नंबर है 15045 और ये जो ट्रेन है LHB कोचेस वाली ट्रेन है। बीना जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है और वेब 7 और WDP 4D इंजन के साथ इसे चलाया जाता है। अगर रूट मैप के बारे में बात करें तो ये गोरखपुर से स्टार्ट होती है, बाद में लखनऊ कानपुर होते हुए ये आगरा कैंट में पहुंचती है, फिर झांसी जंक्शन में के होते हुए ये बीना जंक्शन में इसका रिवर्सल होता है। इसके बाद गुना, उज्जैन, रतलाम, छायापुरी, अहमदाबाद, राजकोट और जामनगर को क्रॉस करते हुए ये द्वारका के थ्रू ओखा में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में तो इसमें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास और जनरल डिब्बे हैं। तो मैं जो अभी आपको किराया बताऊंगा वो गोरखपुर जंक्शन से ओखा रेलवे स्टेशन गुजरात तक का होगा, बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस में फर्स्ट AC का कोच है जिसका टोटल किराया जो है 5325 रुपये है, जिसमें 5011 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 60 रुपये है, GST चार्ज 254 रुपये है, टोटल किराया 5325 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पे जाके जरूर कंफर्म करें। सेकंड AC की बात करें तो सेकंड AC का जो टोटल किराया है गोरखपुर से ओखा तक का वो है 3120 रुपये, जिसमें 2911 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 50 रुपये है, GST चार्ज 150 रुपये के करीब है, टोटल किराया 3120 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड AC के कोच भी हैं। थर्ड AC का जो गोरखपुर से ओखा तक का जो टोटल किराया है वो है 2135 रुपये, जिसमें 1993 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, GST चार्ज 102 रुपये है, टोटल किराया 2135 रुपये बनता है। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें। स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास में कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास का जो टोटल किराया है वो है 810 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 790 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये और 810 रुपये इसका टोटल किराया है। इसमें कोई GST चार्ज जो है नहीं जोड़ा जाता। स्लीपर क्लास के इस ट्रेन में तकरीबन 5 कोच होते हैं। बाकी जनरल डिब्बों की बात करें, जनरल डिब्बों के तकरीबन 3 कोच हैं। अगर आपने जनरल डिब्बों में जाना है तो आपको जनरल अनरिजर्व टिकट लेके जाना होगा। गोरखपुर से ओखा तक का जो जनरल डिब्बों का किराया है वो है 550 रुपये। ये अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे टिकट काउंटर या वेबसाइट से जरूर कंफर्म करें। इसके अलावा इस ट्रेन में एक पेंट्री कार का कोच भी शामिल है। पेंट्री कार के कोच से आपको ट्रेन के अंदर ही जो है फूड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये फूड फैसिलिटी के जो चार्जेस हैं आपकी टिकट में इंक्लूडेड नहीं होते, आपको ट्रेन के अंदर ही जो है ये चार्जेस देने पड़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं गोरखपुर से ओखा तक। गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 15045, ये जो ट्रेन है गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश से हर बृहस्पतिवार को सुबह 5 बजे 9 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 46 घंटे 35 मिनट बाद ये ट्रेन जो है ओखा गुजरात में पहुंचती है और इसके तकरीबन 39 स्टेशन है, 2290 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। जो दूसरा स्टेशन है इस ट्रेन का है वो है बस्ती उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 6:04 पर पहुँचती है और 6:07 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 64 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, यहाँ पर ट्रेन जो है सुबह 7:25 पर पहुंचती है और 7:30 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 152 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बाराबंकी जंक्शन उत्तर प्रदेश में सुबह 8:58 पर पहुंचती है और 9 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है, 241 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद लखनऊ के बादशाह नगर में ट्रेन जो है सुबह 9:34 पर पहुंचती है और 9:37 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 265 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है।
बादशाह नगर का स्टेशन कोड है BNZ। इसके बाद ये ट्रेन जो है ऐशबाग उत्तर प्रदेश में पहुंचती है, ऐशबाग जंक्शन उत्तर प्रदेश में ये ट्रेन जो है सुबह 10:20 पर पहुंचती है और 10:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 274 किलोमीटर की दूरी जो है ये गोरखपुर से यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद कानपुर सेंट्रल उत्तर प्रदेश में दोपहर के 12:50 पर पहुंचती है और 12:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 345 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है इटावा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है दोपहर के 2:23 पर, 2:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। टुंडला जंक्शन उत्तर प्रदेश में दोपहर के 3:40 पर पहुंचती है, 3:45 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 576 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पे शाम के 4:30 पर पहुंचती है और 4:35 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ढोलपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है शाम के 5:20 पर पहुंचती है और 5:22 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। ये राजस्थान का इकलौता स्टेशन है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुरैना रेलवे स्टेशन पे शाम के 6:00 पहुंचती है और 6:02 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन में शाम के 6:31 पे पहुंचती है, 6:33 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 722 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। और ग्वालियर जंक्शन का स्टेशन कोड है GWL। उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 8:25 पर पहुंचती है और 8:33 पर वहां से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है। यहां पर मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 820 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। बीना जंक्शन में ट्रेन जो है रात के 11:35 पर पहुंचती है और 11:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। 20 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर इसका इंजन भी रिवर्स होता है। 972 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मंगोली रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन जो है रात के 12:25 पर पहुंचती है और 12:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 1001 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। अशोकनगर मध्य प्रदेश में रात के 1:02 पर पहुंचती है और 1:04 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 1047 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। गुना जंक्शन मध्य प्रदेश में रात के 2:10 पर पहुंचती है और 2:15 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1091 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। और गुना जंक्शन में ये ट्रेन जो है रतलाम ग्वालियर इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रुठियाई जंक्शन में पहुंचती है रात के 3:03 पर और 3:05 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1113 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है और इसका स्टेशन कोड है RTA। इसके बाद गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन जो है ब्यावरा राजगढ़ रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश में रात के 3:53 पर पहुंचती है और 3:55 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1190 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मक्सी जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 6:50 पर पहुंचती है और 6:52 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1306 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। उज्जैन जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 8:20 पर पहुंचती है और 8:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद नगदा जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 9:38 पर पहुंचती है और 9:40 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1401 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। नगदा जंक्शन का स्टेशन कोड है NAD। इसके बाद रतलाम जंक्शन मध्य प्रदेश में सुबह 10:20 पर पहुंचती है और 10:30 पर वहां से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद गुजरात के पहले स्टेशन गोधरा जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 1:25 पर पहुंचती है और 1:27 पर वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1630 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। छायापुरी रेलवे स्टेशन गुजरात में दोपहर के 2:15 पर पहुंचती है और 2:20 पर वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आनंद जंक्शन गुजरात में शाम के
4:03 पे पहुंचती है और 4:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। मणिनगर रेलवे स्टेशन गुजरात में यह ट्रेन जो है शाम के 5:16 पे पहुंचती है और 5:18 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। अहमदाबाद जंक्शन गुजरात में शाम के 5:45 पे पहुंचती है और 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1792 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद चांदलोडिया रेलवे स्टेशन पे शाम के 6:14 पे पहुंचती है और 6:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1805 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है विरंगम जंक्शन में पहुंचती है। यहाँ पर ट्रेन जो है शाम के 7:05 पे पहुंचती है और 7:07 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1858 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सुरेंद्र नगर जंक्शन गुजरात में रात के 8:09 पे पहुंचती है और 8:11 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 1924 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। वनखानेर जंक्शन गुजरात में ट्रेन जो है रात के 9:15 पे पहुंचती है और 9:17 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद राजकोट जंक्शन गुजरात में रात के 10:22 पे पहुंचती है और 10:27 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2040 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद हापा रेलवे स्टेशन गुजरात में रात के 12:04 पे पहुंचती है और 12:06 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 2116 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। जामनगर गुजरात में रात के 12:26 पे पहुंचती है और 12:31 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। सौराष्ट्र एक्सप्रेस के साथ यहां पर इसकी क्रॉसिंग होती है। खंबालिया गुजरात में यह ट्रेन जो है रात के 1:19 पे पहुंचती है और 1:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। खंबालिया के बाद द्वारका रेलवे स्टेशन पे रात के 2:29 पे पहुंचती है और 2:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 2263 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। इसके बाद गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने आखिरी स्टेशन ओखा गुजरात में रात के 3:35 पे पहुंचती है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है 2292 किलोमीटर के करीब यह ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपने कभी भी गोरखपुर ओखा एक्सप्रेस में ट्रेवल किया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपना ट्रेन एक्सपीरियंस जरूर कमेंट करके बताएं और बाकी लोगों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।